Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel and brand new Viral. सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे व्यूज देने, वीडियो का लुक देखना और साइड पे घंटी का निशान लगा उसको बजाना बिल्कुल नहीं भूलना। सो जी तकरीबन काफ़ी दिन इस बात क्या महीने बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ मेन, तो आज है जो जुमेरात अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो सबसे मेन बात जो है आप लोगों से करने वाली हूँ, मैं अभी कर लेती हूँ क्योंकि एंड में फिर आप लोग देखते नहीं हो ना, ब्लॉग लंबा भी हो जाता है तो इसलिए आप लोग देखते नहीं। तो आज जी हमारा जो है मैंने सोचा है एक नेक काम सोचा है कि जी हम लोग हर जुमेरात को जुमेरात बनाए करेंगे लंगर, ठीक है, जो हम लोग गरीबों में मजदूरों में और जो यतीम बच्चे हैं उनमें तकसीम किया करेंगे, जो मदरसे के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग तकसीम किया करेंगे। सबसे पहले शुरुआत तो मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं मतलब ज़्यादा कुछ करती, बाकी उसमें अब आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है आगे की आगे, ठीक है। जिस बंदे ने मेरा साथ देना हो इस काम में टिकटॉक पे आ जाए, मैं आप लोगों को जस्ट कैश नंबर दे दूँगी, ठीक है, आप लोग वहाँ पर सेंड कर सकते हैं जो भी आप लोगों का मतलब बजट हो, जो भी आप लोग कहना चाहें, ठीक है, वो आप लोगों के सदके के तौर पे या हम लोग लंगर पका कर बांटे या जो भी चीज़ हम लोग बांटे वो आप लोगों का ब्लॉग साथ के साथ जो भी भाई भेजेगा जो भी बहन भेजेंगी हम लोग आप लोगों को बता दिया करेंगे कि ये भाई ने भेजा था तो किसी भाई के मतलब के पैसों का हम लोग लंगर बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आज हम लोग बना रहे हैं चिकन और आलू, जो चिकन है वो मतलब घर की देसी मुर्गियाँ हम लोगों ने हलाल कर लेंगी, दिखाओ ठीक है। सबसे बड़ी निशानी है चेक करने क्योंकि देसी मुर्गी दिलाते नहीं मोटी नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर अदरक डाल दिया, तो ये हम लोगों ने प्याज मोटे मोटे काट लिए हैं, अंदर डाल दिया अदरक लहसुन भी बारीक बारीक इसमें कटा हुआ है, ठीक है, ये हर चीज़ हम लोगों ने काट के धो देनी है, ठीक है। ये है जी टमाटर और नीचे है जी मिर्च है, मौसम आज ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं यहाँ से काम खत्म करके फिर आप मोबाइल का विजिट करवाती हूँ, बाद में भी डालना है गाइस। एक दिन पता क्या हुआ है, अम्मी ने कहा नमक डाल दिया, चिकन चिकन ही था ये, इसे चिकन था तो मैंने उसके अंदर फिर नमक डाल दिया पर उससे ज़्यादा नहीं हुआ पाचे की, मैं ये हम लोग पानी डाल दिया, मम्मी डालती हैं पानी, दिखाओ कुकर बंद करेंगे हम वही साइड के कुकर के जो बैट वगैरह है ना वो थोड़ा सा करके लग गया चलो अब इसको बीट वगैरह लगाते हैं, कितने मिनट, 5 या 6 मिनट इसको बस पानी में लगाना है, ये इससे निकाल के कढ़ाई में रख लेंगे, ठीक है। आलू इधर को भेजते हैं क्योंकि अभी घर से खत्म हो गया, मम्मा और वो रिश्तेदार जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जी मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद, इसको हम लोग ज़रा सा बॉयल कर लें फिर आपको ये। सो गाइस अब जो है आप दिखा दो पास लाते ना, सो जी हमारा जो चिकन है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है अच्छे तरीके से मतलब कि बॉयल हो गया, तो आलू जो है इसमें छील गई थी, अब जो इसका जो पानी है ना इसे पास लाओ, जो इसके अंदर पानी है वो हम लोगों ने कुछ करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसका नीचे आँच कर दिया मैंने तेज, इसका पानी कुछ करते हैं फिर उसके बाद इसको लगा मिर्च डाल के भूनते हैं और फिर आप लोगों के साथ। सो गाइस इसके अंदर जो पानी था ना इसका वो ज़्यादा था तो हम लोगों ने एक साइड पे निकाल दिया इसको, तो ये जो इतनी थी ना उसकी इधर लॉक ये देखिए वो हम लोगों ने एक साइड पर निकाल दिया, हल्के हल्के डाल के उसको साथ साथ भूनेंगे, इधर लॉक अभी हम लोगों ने डाल दिया इसके अंदर नमक और नमक डाला, लाल मिर्च डाली और हल्दी डाल दी, नमक हम लोग थोड़ा सा ही और डालेंगे क्योंकि बाद में देख लेंगे कम हुआ तो और डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल भी चुका है, तो अभी इसको थोड़ी देर भूनते हैं साथ साथ में आलू काटती हूँ, ठीक है, फिर आप लोग देखा। सो गाइस हमारा जो है ये चिकन मैंने इस तरीके से भून लिया,
आलू मारे कटो बता के अंदर छुरी लग रही बड़ी सारी बन गया हमारे घर बन रही है और अब जो है अब इसको भून के अच्छे तरीके से जितना हमें उसका शोरबा बनाना था इसके अंदर डाल दूँगी इतना पानी। तो अब आप लोगों को दिखाएंगे मैं आटा गूंथती हूँ तब आप लोगों को। तो अगर सागर भी जो हमारा उसमें मैंने शोरबे के लिए पानी डाल के उसको रख दिया पकने के लिए और ये हमारा जो आटा है मैं गूंथती हूँ आटा आटा था ज़्यादा सारा तो मैं कभी इतना आटा पीने आ गई फिर कभी मेरी गूंथी नहीं है मम्मा ही होते हैं। ठीक है अब हम लोग गूंथ रहे आटा क्योंकि रोटी घर नहीं लगवानी रोटी हम लोगों ने लगवानी है ठीक है इधर कपड़ा भाग लो ठीक है आटा गूंदने के लिए आटा गूंदना चाह क्या सारा इधर जो है बैठी चुप रही है जी धनिया बस काफ़ी मुखी देख के आटा कर दिया था कट्ठा तो उसके बाद मैं चलती हूँ किचन फिर देखिए अपना सागर जाके इस सागर में की फूल भी होगा लाइक शुक्र नहीं तो मशा मैं इन्हें ज़्यादा आटा पीने मैं कभी पीने नहीं थोड़ा थोड़ा बहुत ही बदलो 5-6 रोटी मसला बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया मतलब जल्दी आ गई मैं खाती हूँ ठीक है धनिया कट कर लेते हैं जीरा वगैरह वो हम लोग अदरक कट कर देते हैं ठीक 10 मिनट बाद हम लोग इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल के हल्की आँच कर देंगे ताकि ऊपर जाना तरी आ जाए ठीक है दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। सो गाइस मैं बड़े मज़े से खड़ी थी लेकिन गैस में क्या इतना मज़े का खड़ी है गैस जाने वाली है बस ये भी चली गई है हमारा सालन तैयार हो चुका है रेडी हो चुका है दिखा देते हैं 5 मिनट वो तो मजे के इतना में रोल था आपके लिए अब जो है अब रोटियाँ मोहित भाई और मामा बाजार गए हैं वो वहाँ से आएंगे फिर रोटियाँ लगेंगी हमारा सालन भी है वो जिला रेडी होती है फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब हम लोग सिम करेंगे ना तब मिलेंगे मैं तंदूर तो मेरे साथ नहीं जा सकती तो बाकी अच्छा मिलेंगे आप लोगों को तकसीम कर सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लंगर है वो रेडी हो चुका है तो बच्चों को अभी मम्मी कर रही है तकसीम और साथ ही हवा इतनी प्यारी और मौसम मैं कहती हूँ क्या कमाल हो गया है साथ साथ ना जो हल्की हल्की बूंदाबांदी सी भी आ रही है हवा के अंदर रोमी देख लो मैंने तुम्हें बोला था ना मैंने इसलिए लाइव ऑन की थी ओके 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 यूजर क्यों
ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੀ ਗਾਈਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਵਲੋਗ ਹਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਲੋਗ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਤੋ ਅਬ ਵਲੋਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਮਿਲੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਮੇਂ ਦੋ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਮ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਝੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਝੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਗ ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸਕੋ ਉਸਕਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਮੇਂ ਲਵ ਯੂ